नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शहडोल जिला अस्पताल में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खाकर गंदगी फैलाने के खिलाफ सिविल सर्जन द्वारा अभियान चलाकर अस्पताल में तंबाकू गुटखा रखने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत देना सिविल सर्जन को महंगा पड़ गया। दरअसल शहडोल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंदूकधारी और लाठी लिए गार्डों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिचारकों की तलाशी लेते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लोग अब अमानवीय कृत्य बता रहे हैं। शहडोल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का सेवन कर गंदगी फैलाने के विरोध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस परिहार द्वारा बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के खिलाफ अभियान चलाकर सुरक्षा गार्डों के साथ छड़ी और बंदूक लेकर मरीज के परिजनों से बीड़ी, तंबाकू, गुटखा जब्त कर उन्हें अस्पताल में इसका सेवन न करने की गुजारिश की। साथ ही उससे होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में भी बताया। डॉक्टर परिहार एक छड़ी लेकर बंदूकधारी और लाठी लिए हुए गार्डों के साथ अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों और उनके परिचारकों से बीड़ी, तंबाकू और गुटखे के पाउच जमा कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया और इसे गरीब और कमजोर महिलाओं, बच्चों और मरीजों के खिलाफ अमानवीय कृत्य बताया। इस कृत्य को कुछ लोग अमानवीय बता रहे हैं, तो सिविल सर्जन ने इसे अस्पताल परिसर में तंबाकू और बीड़ी के उपयोग को रोकने की कवायद बताया। सोशल मीडिया पर रविवार को ये वीडियो सामने आया। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस परिहार ने सोमवार को दावा किया कि रोगियों को तंबाकू खाने और अस्पताल में थूकने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा था। वीडियो क्लिप में परिहार एक छड़ी लेकर बंदूकधारी और लाठी लिए हुए गार्डों के साथ अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों और उनके परिचारकों से बीड़ी, तंबाकू और गुटखे के पाउच जमा करने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अस्पताल के अंदर बंदूक और लाठी लेकर अस्पताल कर्मियों के घूमने की निंदा की है। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर जी एस परिहार का कहना है कि गुटखा के पाउच आदि जब्त करने के लिए नियमित तौर पर अभियान चलाया जाता है, ताकि लोगों को अस्पताल परिसर में थूकने और गंदगी फैलाने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सुरक्षा कारणों से शाम की सैर के दौरान अपने साथ एक छड़ी रखते हैं, जो कि वीडियो में दिखाई दे रही है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रहे गार्ड अस्पताल के सुरक्षा कर्मी हैं। ऐसे उल्टा बनाओ, मीडिया वाला उल्टा मांगता दूसरी बात देखने के नहीं है, हॉस्पिटल में आओ दूसरी बात है कि अधिवक्ति जब आते हो तो पहले सुन लो, हम लोग नहीं आ रहा है। तुम्हारा काम है बाहर फुकवाना, तुम फुकवा दिए, ठीक है। अब उसके बाद सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता, तुम उसके बारे में ज्ञान मत दो। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम अपना फर्ज निभाओ, क्या बोल रहा हूँ, तुम अपना फर्ज निभाओ, छोड़ क्यों नहीं देते हो, ये क्यों नहीं करते हो, वो नहीं खाओ, तुम खाओ, मैं खाने के लिए मना करता हूं। मैं बोला कि मेरे हॉस्पिटल के अंतर्गत नहीं खाओगे, हॉस्पिटल के अंदर नहीं। तुम उससे पहले क्या बोला, बाहर जा रहे हो, नहीं तुम बोलो छोड़ क्यों नहीं देते हो, छोड़ क्यों देते हो, इसको नहीं बोला, लेकिन बोला पुलिस को नहीं, ये बोला की रखना है, यहाँ बाहर खाना है, इतना खाना है, कोर्ट में नहीं खाओ।